नमस्कार दोस्तों मेरा नाम संजीव सप्रा है और कंपनी सेक्रेटरी हूं मैं आईसीएसआई का मेंबर हूं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया दोस्तों आज मैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर आईपीएफ अथॉरिटी के अंडर चल रहा है उसका एक पार्ट है हाउ टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट या हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट वो टॉपिक मैं आज आपके साथ लेकर आया हूँ और उसके कुछ बेसिक्स को इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना है डू एंड डोंट्स को शेयर करेंगे और ऑब्वियसली ये टॉपिक आप जानते हैं कि बड़ा कॉमनली नोन है एक्साइटिंग है आप में से कुछ ऐसे भी होंगे दोस्त कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टर होंगे जो इन्वेस्ट कर चुके हैं अच्छा चल रहा होगा कुछ ऐसे होंगे कि जो अभी एंटर किए हैं कुछ टाइम हुआ है उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा करे हुए और कुछ ऐसे होंगे जो आने के बारे में सोच रहे हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें बट रास्ता समझ नहीं आता कोई बात नहीं आज के सेशन में ये सारी बातों का आंसर देने की कोशिश करूंगा मैं कि ताकि आप स्टार्ट कर सकें और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं शायद उनको भी इस सेशन से हेल्प मिलेगी क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी डाउन देखे होंगे इस मार्केट के देखो स्टॉक मार्केट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट जैसे हम जानते हैं कि जो टॉपिक हमें है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट एक ब्रॉड टर्म है जिसमें आगे फिर सिक्योरिटीज़ मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज का नाम आता है बट मोस्ट कॉमनली आप लोग स्टॉक एक्सचेंज के नाम से ही जानते हो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है बट इन्वेस्ट करना है कैसे करना है और उसको कैसे मैनेज करना है ये दोनों चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है इन्वेस्टर के हाथ में उसका रीज़न है देखो दोस्तों हम कोई भी अगर काम करते हैं तो उसके लिए हमें पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कोई ना कोई हम उसकी पढ़ाई करते हैं फिर उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं हम सीए बनते हैं इंजीनियर बनते हैं सीएस बनते हैं सी बनते हैं हम कोई भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो उसकी स्टडी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों साथ में होती है ऐसे ही व्यापार है अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिज़नेस के लिए भी पहले हमें कुछ एक्सपीरियंस प्लस कैपिटल दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं और रिस्क रिवॉर्ड हमेशा रहता ही है अब जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो कॉमनली जो हर घर में नोन वर्ड हैं इन्वेस्टमेंट्स के आप सब कर रहे हैं आपने बैंक में पैसा रखा वो भी लाइक like इन्वेस्टमेंट है आपको उसके बदले में कुछ मिल रहा है आप चाहे सेविंग अकाउंट में रखते हैं चाहे एफडी में रखते हैं और ये बड़ा कॉमनली यूज टूल है टू इन्वेस्ट इन्वेस्ट मीन्स यहाँ पर टू सेव कर रहे हो आप और उसके बदले आपको कुछ रिटर्न मिल रही है सेकेंड कॉमनली जो हर घर में हर हिंदुस्तानी का प्यारा है गोल्ड हर पढ़े लिखे अनपढ़ किसी भी जाति धर्म किसी की भी बात कर लो गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड यूज़ के लिए भी करते हैं हम ऑर्नामेंट्स में और उसको इन्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं बट गोल्ड और बैंक के लिए पैसा रखने के लिए हमें कोई एजुकेशन या एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है उसके बाद थर्ड मोस्ट कॉमनली इन्वेस्टेड एरिया आ जाता है रियल स्टेट प्रॉपर्टी थोड़ा सा वो सेंसिटिव है वहाँ जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ी रिसर्च करते हैं चेक करते हैं कैसे करना है बट ये भी हर आदमी की रीच में है प्रॉपर्टी में भी बट जब हम कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की बात करने आते हैं तो वहाँ पर काफ़ी लोग ब्लैंक हो जाते हैं कि कैसे इसमें एंटर करें सुनने में न्यूज़ में बड़ा हाईलाइटेड है बहुत अट्रैक्टिव लगता है और काफ़ी लोगों को अमीर होते सुना भी है और अमीर होते भी हैं बट ये कैपिटल मार्केट में एंट्री के लिए जो रास्ते हैं किन मोड्स किन रूट से हम इन पर आए हम आज उसके बारे में बात करेंगे उन रूट्स के पैरामीटर्स की बात करेंगे फिर हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अब सबसे पहले कैपिटल मार्केट के वर्ल्ड को हमें समझना है कि यहाँ पर हम कैपिटल मींस पैसा दे रहे हैं और पैसा ही वापस मिलेगा हमने गोल्ड ख़रीदा तो हमने पैसा दिया हमें वैल्यू ऑफ असैट मिल गई रियल इस्टेट खरीदी पैसा दिया हमें प्रॉपर्टी की ऑनरशिप मिल गई बैंक में हमने एफडी कराई हमें एक बॉन्ड मिल गया बट बैंक एक फाइनेंशियल असेट है बैंक की एफडी सेम ऐसे ही शेयर्स और डिबेंचर फाइनेंशियल असेट्स की कैटेगरी में आते हैं अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम इन्वेस्टमेंट्स को दो पार्ट में कर देते हैं पहला पार्ट हो गया गोल्ड और रियल इस्टेट जो टेंजिबल हैं हमें नज़र आ रही हैं सेकेंड सिक्योरिटीज़ या फाइनेंशियल असेट्स जो बैंक एफ हैं बॉन्ड्स हैं और हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स हैं तो आज का पार्ट मेरे हमारा शेयर्स का ही रहने वाला है स्टॉक मार्केट की बात करने वाले हैं हम तो जब कैपिटल मार्केट वर्ड आता है फिर स्टॉक एक्सचेंज वर्ड आता है इट मीन्स आप किसी कंपनी के शेयर्स लेने जा रहे हो किसी कंपनी के शेयर लेने का मतलब है आप उसके शेयर होल्डर बनने जा रहे हो और इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बोलें तो इट इज़ लाइक बिकमिंग अ पार्टनर आप किसी कंपनी में पार्टनर लाइक पार्टनर बनने जा रहे हो हिस्सेदार बनने जा रहे हो बट हम कॉमनली क्या करते हैं जो आपने अपने घरों में भी सुना होगा कि चलो पैसे लो पैसे पड़े हैं और शेयर्स खरीद लो किसी फ्रेंड ने बता दिया किसी ब्रोकर ने बता दिया कभी न्यूज़ में देख लिया कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ लिया और हम इन्वेस्ट कर देते हैं बट उससे पहले हमें इस बेसिक को समझना है कि शेयर मार्केट या शेयर वर्ड का मतलब क्या है तो मैं बड़ा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ वाट इज़ शेयर शेयर वर्ड क्या है और शेयर होल्डर का मीनिंग क्या है दोस्तों ये वर्ड आप सिंपल इन्वेस्टमेंट मत लो आप ये मान के चलो कि आप किसी एक कंपनी के हिस्सेदार बनने जा रहे हो और आप भी एक व्यापारी हो आप इनडायरेक्टली बिजनेस का पार्ट बनने जा रहे हो आप वो बिज़नेस करने जा रहे हो सपोज आपका ड्रीम है ये कैपिटल मार्केट हमारे बहुत बड़े ड्रीम्स को पूरा करती है फॉर एग्जाम्पल आपका ड्रीम है कि मेरा बहुत बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री हो मेरा कोई स्टील का प्लांट हो बट एक मिडल मैन के लिए या लोअर क्लास या रिच क्लास के लिए भी ये प्लांट्स लगाने आसान नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेरा ड्रीम है मुझे कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाना है तो पहली थॉट मेरे माइंड में आएगी कि हाँ बहुत बढ़िया है बट सेकंड थॉट क्या आएगी हाउ इट इज़ पॉसिबल क्या मेरे को इंजीनियरिंग आती है क्या मेरे पास कैपिटल है क्या मेरे पास नॉलेज है क्या मेरे पास एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेकर ही तो मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊंगा तो कभी भी छोटा इंडिविजुअल पर्सन वो ये सपना ही लेके रह जाता है कि मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनूं वो छोटे बिजनेस करने में लगा रहता है उसी बड़े बिजनेस को बढ़ाने के लिए बड़े बिजनेस को चलाने के लिए वर्ड आया कंपनी कंपनी वर्ड का मतलब ही है कमिंग टूगैदर कम पैनी कम आओ मिलो पैसे के लिए हम इकट्ठे हों तो कंपनी वर्ड का मतलब है एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो लाइक माइंडेड पीपल के साथ बनी है कि मिलकर हम कैपिटल को कंट्रीब्यूट करें और एक बड़े बिजनेस की तरफ बढ़ें तो पहले तो शेयर खरीदने से पहले आपको कंपनी वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है मे बी आप लोग बहुत सारे इस वर्ड को जानते होंगे कंपनी वर्ड हर बंदा कंपनी में जॉब करना चाहता है बड़ी कंपनी मिल जाए एमएनसी कंपनी मिल जाए ये सब हम सुनते आ रहे हैं बट आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स चाहती है कि उन तक भी ये बात पहुँचे जो रूरल एरियाज़ में हैं स्मॉल टाउन्स में हैं और वो बेचारे डरते हैं कैपिटल मार्केट में आने के लिए तो आज का मेन फोकस उनके लिए भी रहेगा कि जो बिल्कुल नई मैंने उनको समझ आए तो जब आप शेयर होल्डर बन रहे हो किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हो तो कंपनी का मतलब है एक बिजनेस एक बिजनेस का आइडिया उस आइडिया का को जो लेकर चल रहा था प्रमोटर उसके पास एक आइडिया था मुझे बिज़नेस कर रहा है सपोज़ मैं एक प्रमोटर हूँ मुझे बिज़नेस करने का आइडिया था कि बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाना है बट मेरे पास स्किल्स हैं नॉलेज है बट पैसा नहीं है तो मैंने लोगों को इन्वाइट किया आओ कम टूगेदर मिले अपनी कंपनी बनाए पैसे को कॉन्ट्रीब्यूट करें जिसको हम कैपिटल वर्ड बोलते हैं और जिसने जितना पैसा डाला उसके बदले उसको हम शेयर दे दें दिस इज शेयर शेयर मीन्स हमने उस पूल में पैसा डाला फंड्स इकट्ठे किए उससे हम असेट्स खरीदेंगे असेट्स से हम बिजनेस करेंगे अब मुझे अगर कार बनाने की फैक्ट्री लगानी है तो मैंने सबसे पैसा इकट्ठा किया डेफिनेटली वो हज़ारों करोड़ में होगा किसी ने एक लाख दिया किसी ने दो लाख किसी ने दस लाख किसी ने एक करोड़ किसी ने बीस करोड़ किसी ने पचास करोड़ मिलकर हमने फ़ंड्स को पूल किया और हमने स्टार्ट किया कि हम बिजनेस करेंगे उसके लिए हम उस पैसे से असेट्स खरीदेंगे लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी रॉ मटेरियल्स आएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज आएंगे और हम उससे मिलकर बिजनेस करेंगे और जो प्रॉफिट आएगा वो हम शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाएगा आफ्टर एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है तो दोस्तों अब बताओ कि क्या आप व्यापारी हो या अब एक कंपनी के शेयर होल्डर ले रहे हो तो क्या आप इनडायरेक्टली व्यापारी नहीं बन गए क्या वो बिजनेस के पार्ट नहीं बन गए तो आपको जब भी शेयर्स लेने हैं तो आप सबसे पहले बेसिक चीज़ को समझो कि आप जिस कंपनी के शेयर्स ले रहे हो या लेने वाले हो या ले चुके हो आप उस कंपनी के पार्ट हो उस बिजनेस के हिस्सेदार हो अब वो बिज़नेस कुछ लोगों के एक्सपीरियंस से चलेगा आपने तो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी जो प्रोमोटर्स हैं डायरेक्टर्स हैं वो लोग उस कंपनी को गवर्न कर रहे हैं और चला रहे हैं अब जब वो कंपनी को चलाएंगे, उसकी रिपोर्टिंग होगी तो आपको वो रिपोर्टिंग पहुँचे इसके लिए कंपनीज एक्ट है सेबी हैं उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि इन्वेस्टर तक पहुंचे और इन्वेस्टर एजुकेशन पर आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का इनिशिएटिव देखा होगा कई बार इन एड आती हैं न्यूज़पेपर्स में भी कि इन्वेस्टर अवेयरनेस बी कॉशियस फ्रॉड से बचो सोच समझ के इन्वेस्ट करो आपने एन एस की भी एड्स सुनी होंगी उसका पर्पज़ क्या है कि ले मैन भोलेपन में ना फंस जाए उसकी हार्ड एंड मनी है और वो कैपिटल मार्केट में लेकर आए तो सोच समझ कर लेकर आए अब अगर मेरे को अगर कोई केमिकल का बिज़नेस करना है तो आप मुझे क्या सलाह दोगे कि मैं स्टार्ट कर लूँ या पहले सीखूँ मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का पर्सन हूँ मुझे केमिकल्स का बिज़नेस करना है अब वो केमिकल्स के बिज़नेस करने के लिए मेरे पास कोई साइंस की नॉलेज होनी चाहिए केमिकल्स की नॉलेज होनी चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए पैसा होना चाहिए तब उस बिज़नेस की वायबिलिटी और सक्सेस का चांस बनेगा बट हम जब शेयर्स लेते हैं हम ये नहीं सोचते हम जस्ट अपना पैसा लगा देते हैं एक्सपेक्टेंसी में और वो एक्सपेक्टेंसी कभी पूरी होती है कभी पूरी नहीं होती तो इन्हीं बातों को लेकर आज चलेंगे कि डू एंड डोंट्स क्या इन्वेस्टर को करने चाहिए किन चीज़ों से बचना चाहिए और अगर आपको नहीं आता समझ तो उसका भी रास्ता यहाँ पर लेकर चलेंगे तो मैं यहाँ पर आज इस प्रोग्राम में दो पार्ट कर दूंगा एक पार्ट यह कि जो आप अपनी समझ बूझ से लगाओ दूसरा अगर आपको समझ नहीं है तो आप दूसरा रास्ता भी आपको आज मैं बताऊंगा इन सिनेरियो में आजकल के माहौल में हर पर्सन अवेयर है और एक्साइटेड है टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट बट फिर दूसरा थॉट ये भी आता है कि काफ़ी लोग यहाँ नुकसान करते हैं तो हमें पैसा लगाना है तो नुकसान के लिए नहीं लगाना कमाने के लिए लगाना है बट अगर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमें सेंसिबली इन्वेस्ट करना है सही रास्तों को पहचानना है और उससे पहले जैसे मैंने समझाया कि आप जिस कंपनी के शेयर होल्डर बनने जा रहे हो आपको उसके बारे में जानकारी कितनी है ये होना ये जानना बहुत जरूरी है नहीं तो वो हिट एंड ट्रायल होगा क्योंकि आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी ऐसे ही नहीं ले लेते हो आप उसके लिए भी रिसर्च करते हो उस प्रॉपर्टी का एरिया देखते हो आस पड़ोस देखते हो सोसाइटी देखते हो लिविंग स्टाइल लिविंग कल्चर लिविंग कंफर्ट वहां कितना है मेट्रो कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी